Hey guys, welcome back to my new video. You guys absolutely fine. आज हम लोग दिखाने वाले हैं आपको ब्लू रिज का स्पेशल डोसा, बेस्ट डोसा। स्नैक सेंटर है वहाँ पे, साई स्नैक सेंटर वहाँ पे मिलता है, सारा चीज मिलता है, तो वहाँ पे अपन जाएंगे लोग। यहाँ पे ब्लू रिज में ब्लॉग करने में मजा ही कुछ और है। ब्लू रिज में बस फील आता है, लोग दिखते हैं वो बात है, वो सब छोड़, हर जगह लोग दिखते हैं। लाइफस्टाइल इवेंट प्रेजेंट, हाँ वही दुकान वगैरह लगाए हैं, कपड़े उपड़े का दुकान वगैरह, खाने पीने का स्टॉल वगैरह। जो ब्लूरी सर्कल है, ब्लूरी सर्कल के बगल में ही ये जास्ता जाता है अंदर, इधर ही है वो स्नैक सेंटर। यहाँ पे भी आपको पूरा रेस्टोरेंट वगैरह, टपरी वगैरह सब कुछ मिलते हैं लाइन से। पहले इतने अच्छे तरीके से नहीं बनाया गया था, लेकिन अभी पूरा प्रॉपर तरीके से उसको बना दिया गया है और इसका नाम रख दिया गया है ब्लूरी फूड पार्क। और यहाँ पे नया फोर्ट वैली खुला है, ये स्ट्रॉबेरी की खेती भी इधर ही होती है। जिधर हम जा रहे हैं ना, थोड़ा सा आगे गए और आगे से राइट लोग हैं, तो वो स्ट्रॉबेरी की खेती होती है वहाँ पे। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, स्ट्रॉबेरी फार्म वाला। यही है साई स्नैक सेंटर, यहाँ पे एक नंबर मसाला डोसा मिलता है, कभी आओ ट्राई करो। और यहाँ पे पूरा लिस्ट बना हुआ है अलग अलग तरीके का साउथ इंडियन फूड। और भी बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है, बहुत सारे दुकान है, यहाँ अपने पसंद के हिसाब से सब कोई खाता है। ये जो एरिया है ना, यहाँ पे रात में मतलब बहुत सही रहता है बैठने उठने के लिए, आप शाम में। और समझ लो कि ये कोविड के बाद ये ज़्यादा फेमस हो गया, कोविड के बाद जब ये खुला ना बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, धीरे धीरे लोग जानने लगे। तो यहाँ पर बैठने में लोगों को अच्छा भी लगता था, बैठने उठने के लिए भी अच्छा बनाया है इधर, और सर्विस भी अच्छा देते हैं। रास्ता दिखाई दिया है, आप लोग आके यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। ये ऑर्डर किया है शेजवान मसाला डोसा, शेजवान मसाला डोसा कुछ ऐसा दिखता है, सिंपल मसाला डोसा। ये शेजवान में थोड़ा सा फर्क रहता है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्पाइसी रहता है, और ओनियन वाला भी बहुत अच्छा लगता है, ओनियन वाला भी कभी ट्राई करना। तो कमेंट वमेंट किया करो, अच्छा लगता है। कुछ लोग हैं जो हमेशा कमेंट करते हैं, जैसे कि ये विवेक कुमार, लोग पूछते हैं इसके बारे में, हमारे वो लोग पूछते हैं कौन है विवेक कुमार, हर वीडियो में कमेंट रहता है इसका, कमेंट हर वीडियो में देखोगे विवेक कुमार का। क्रिकेट एकेडमी और आगे भी एक ऐसा ग्राउंड है, वहाँ पे पैसा दे खेलते हैं। हम लोगों ने अब वही मसाला डोसा खा के अपन बाहर निकल गए, बाहर निकलने के बाद अपन टहल रहे हैं। और जो स्टार्टिंग में दिखाया था सर्कल पे, हम आपको दिखाते हैं चल के थोड़ा सा भी उधर का कैसा सब कुछ, दुकान वगैरह लगाए हैं लोग। ये वाला काफी पुराना होटल है, बहुत पहले से मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे दुकान आए गए, पहले यहाँ पे भी हुआ करता था दुकान। और इसका रेंट बहुत रेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल 1-1 लाख तक, तो 2 लाख तक रेंट रहता है। कितना बड़ा है वो डिपेंड करता है, छोटे छोटे जो टपरी रहते हैं ना, छोटे दुकान जो होते हैं ना, वो लोगों का 30,000-35,000 रेंट रहता है। वीक डेज में आते हो ना, मंडे टू फ्राइडे में, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा क्राउड दिखेगा। चलो फिर अब चलते हैं वहाँ पे। Oh.
अभी कि अभी धीरे धीरे लोग आने लगे हैं, रात में ही महफिल जमता है यहाँ पे, थोड़ा सा भीड़ हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा लोग आने लगेंगे। सब कोई अपना अपना जो भी हो शॉपिंग करने के लिए या फिर घूमने के लिए, ज़्यादातर तो यहाँ पे लोग खाने के लिए भी आते हैं क्योंकि फूड का वो सारा स्टॉल लगा हुआ है, तो वहाँ पे लोग खाने के लिए आते हैं। तो वो टाइम पे रिकॉर्डिंग करना और इसे बात करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि ज़्यादा लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा नॉइज़ रहता है और म्यूज़िक भी ज़्यादा तेज़ हो जाता है, बस दिखाना पड़ेगा। अब मैं वॉइस ओवर नहीं करता हूँ क्योंकि वॉइस ओवर में मज़ा नहीं आता, वो फील नहीं आता है, और प्रॉपर माइक होना चाहिए वॉइस ओवर के लिए, सेटअप होना चाहिए, तब मज़ा आता है। अबे साले, ठीक है फिर आज की वीडियो में यही रुकते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करके बताना कैसा लगा। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।